अच्छा जी, आप लोग कभी ये इन ऐसे पेजेस पे जाएं जहाँ पर या तो औरतों के हकूक की बात की होती है, या कहीं मुल्क को डेमोक्रेटिकली रिच करने की बात हो रही होती है, या कोई और ऐसी बात हो रही होती है जो कि होनी चाहिए, किसी फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी की बात हो रही हो, तो नीचे आप कभी कमेंट्स पढ़ें। कमेंट्स में आपको इस तरह के गंदे गंदे अल्फाज मिलेंगे जो कि बेसिकली मेल्स होते हैं और वो फीमेल्स को गंदी गंदी बातें कह रहते हैं, रंडी गश्ती और इस तरह की बातें। ये अगर आपने इस तरह के कमेंट्स नहीं पढ़े तो आपको पता ही नहीं कि दुनिया में हो क्या रहा है, पाकिस्तान में किस तरह की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है ऑनलाइन है, और हर बंदे के हाथ में मोबाइल आया हुआ है और हर बंदा इस वक्त हेट फैलाता जा रहा है, चाहे वो रिलीजन के नाम पे हो, चाहे वो पैट्रियटिज़म के नाम पे हो, चाहे वो प्रोफेशन के नाम पे हो, डिग्रीज़ के नाम पे हो। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें असल में ये वो लॉट है जब आप किसी फेमिनिस्ट पोस्ट के नीचे लोगों को गालियां देते हुए देखते हैं, औरतों की कैरेक्टर असैसिनेशन होते हुए देखते हैं, वो कमेंट्स में वो जो लोग होते हैं वो असल में वो परमानेंट डैमेज हो चुका है, अब उसका कुछ नहीं हो सकता। ये जो हेट्रेड फॉर वुमेन है ये डीपली रूटेड है हमारी अपब्रिंगिंग के अंदर, और ये अपब्रिंगिंग वो है जो कि ब्रांड की जाती है रिलीजन के साथ, हमारे ईस्टर्न कल्चर के साथ, जो कि अपेरेंटली वेस्टर्न कल्चर से बहुत बेहतर है, बल्कि सबसे अच्छा यही है कल्चर हमारे मुताबिक, हमारे पुरखों ने, हमारी हिस्ट्री ने, जो यहाँ के सब कॉन्टिनेंट की जो लेगेसी है वो अपेरेंटली हमारे यहाँ के बुज़ुर्गों के मुताबिक बहुत परफेक्ट है, स्पिरिचुअलिटी भी उसमें बहुत ऊपर है, उसके अंदर जनाब एहतराम बहुत ज़्यादा है, हया बहुत ज़्यादा है, लेकिन असल में ये ऊपर का कवर है ना, अंदर से जब आप देखें तो हर सेक्ट को दूसरे सेक्ट से नफरत है, और ये सारी हर स्कूल ऑफ थॉट को दूसरे स्कूल ऑफ थॉट से नफरत है। वो इसलिए है क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग में चीज़ें बड़ी क्लियरली, ये चीज़ें, ये सीड्स जो है ना वो ये सो किए जाते हैं, आप उसको माने या ना माने ये अब आपका डिसीजन है। अब फॉर एग्जांपल मैं अब सुन्नी घराने में पैदा हुआ हूँ, पाकिस्तान में हूँ, मैं मोस्ट पॉपुलर सेक्ट से ताल्लुक़ रखता हूँ तो मैं सिक्योर हूँ, मुझे मेरे घर पे अगर मेरे माँ बाप वोक नहीं होंगे, मेरे माँ बाप अगर थोड़े से इंक्लूसिव नहीं होंगे तो ऑब्वियसली 10-15 साल तक या मेरे मैट्रिक करने तक जो मुझे तालीम दी जाएगी उसके रिजल्ट के अंदर मुझे शियों से भी नफरत होगी, मुझे, मैं अगर हनफी सेक्ट से ताल्लुक़ रखता हूँ तो मुझे मालिकी बुरे लगेंगे, मैं अगर बरेलवी हूँ तो मुझे वहाबी बुरे लगेंगे, मैं वहाबी हूँ तो मुझे बरेलवी बुरे लगेंगे। ठीक है, मैं बचपन से देखता हूँ कि हर एक सेक्ट की अलग अलग मस्जिद है, वहाँ पर अलग अलग रूल्स हैं कि यहाँ पर यही वाले रूल्स फॉलो होंगे इस सेक्ट के, इस सेक्ट के, तो मैंने तो अपना बचपन गुजार लिया ना, अब बचपन में जितनी बच्चे की माइंडसेट, उसका जो मेंटल फ्रेमवर्क डेवलप होना होता है, जो उसकी बाउंड्रीज, जो उसके, जो उसका मॉरल कोड इस्टेब्लिश होना होता है, वो तो हो जाता है, उसके बाद तो आप चेंज नहीं कर सकते। अब मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी जब मैं जाऊंगा तो मैं उस फाइनल कंक्लूजन को जहन में लेकर ही जाऊंगा, वहां जाके मैं कुछ चेंज नहीं होऊंगा अनलेस के मैं बहुत बड़ा डिसीजन लूं और मैं अपनी जो मैंने लर्न की हैं चीज़ें उनको अनलर्न करने का एक पेनफुल प्रोसीजर जो है वो अपने साथ होने दूं, तब तक ये नहीं होगा कुछ भी चेंज। तो अब ये जो आपको कमेंट्स नज़र आते हैं, गंदे गंदे कमेंट्स, गालियों वाले औरतों के खिलाफ, या कोई ऐसा बंदा जो कि थोड़ी सी अकल की बात कर लेता है, जो 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 कहता है कि अब्दुलसलाम की कंट्रीब्यूशन आप देखो मुल्क के लिए, उसका रिलीजन ना देखो और उसको इज्जत दे दो कम से कम, लेकिन आपको वो बुरे लगेंगे, हर बंदा उसको भी गालियां निकालेगा। तो द पॉइंट इज के आप जिस घराने में पैदा हुए हैं ना, आपकी जो ईस्टर्न सोसाइटी है, यहाँ पर ऑलरेडी टेम्पलेट्स बने हुए हैं, आपका जब बच्चा पैदा होता है तो वो जिस पॉपुलर बिलीफ के फ्लैग के नीचे पैदा होता है वो उसी को सबसे अच्छा समझेगा, क्योंकि बड़े कभी बताएंगे ही नहीं कि बेटा थोड़ा जेनेरिक होकर भी सोच लो, पहले आप इंसान हो, यहाँ पे नहीं कहते हैं कि आप सबसे पहले जी सुन्नी मुसलमान है, ये यहाँ पर मुझे नहीं पता कि आप लोगों के, हाँ जो जो वीडियोस देख रहे हैं, आई होप कि ऐसा ना हो, लेकिन जहाँ मैंने ज़िंदगी गुजारी है, जिस इलाके में, जो मेरा गांव है, जो मेरे पुरख हैं सारे, वो
बेसिकली इसी तरह के माइंड सेट हैं वो, मतलब और मुझे मुझे कोई शर्मिंदगी भी नहीं है बताते हुए कि ये ऐसा ही है सारा कुछ। आप के घर के अंदर ख्वातीन का जो मॉरल कोड है, अगर आप बाहर जाएंगे आपको कोई खातून अपने घर की खातून से ज़रा सी मुख्तलिफ नज़र आएगी तो वो आपके लिए लोअर दर्जे की खातून बन जाती है, क्योंकि आपके घर वालों ने ऑलरेडी एक मतलब ख्वातीन की तरबियत एक प्री डिसाइडेड उसके करिकुलम और उसके मॉरल कोड के तहत कर दी हुई है। ना कभी उन्होंने कभी खुद सोचा कि जो हम कर रहे हैं वो क्या है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, अच्छी बातें क्या हैं, बुरी बातें क्या हैं। ना ही आपने कभी सोचा है कि ख्वातीन मुख्तलिफ भी हो सकती हैं और मुख्तलिफ ख्वातीन करेक्टरलेस नहीं भी हो सकती। ये भी बहुत बहुत पेनफुल रियलाइजेशन है, लेकिन आपको कभी करने का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका दिमाग तो इतना सा है, आप इतने से रहेंगे। मैं खुद मतलब आई कन्फेस अमंग माई फ्रेंड्स इन फ्रंट ऑफ यू पीपल के मैं जब अपने घर से बाहर निकला हूँ, जब मैं यूनिवर्सिटी में आया हूँ और यूनिवर्सिटी के भी 3-4 साल गुजारने के बाद आई फाइनली रियलाइज्ड के जो कि जिस ईस्टर्न पाकिस्तानी रिलीजियस फैमिली से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ उसने मुझे चलो अपने तो मॉरल कोड मेरा इस्टेब्लिश कर ही दिया, लेकिन उससे हुआ ये है कि वो इंक्लूसिव नहीं था, वो प्लूरलिस्ट नहीं था, उसके अंदर जो मेरी सोशल कम्युनिकेशन है या मेरी जो सोशल जजमेंट्स है लोगों के बारे में वो बहुत ज़्यादा पोलराइजिंग है। यानी कि मैं एक तरफ हूँ, दुनिया एक तरफ है, मैं सारी दुनिया को एक तरफ समझ नहीं सकता, मैं सबको इंसान समझ ही नहीं सकता, मैं कि हर बंदे को कम या ज़्यादा कैटेगराइज करूँगा क्योंकि मुझे सिखाया ये गया है, ठीक है। तो और ये मेरी कहानी नहीं है और मैं ये भी नहीं कह रहा कि सबकी कहानी है, मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादातर ऐसा ही है, एक्सेप्शन आर देयर, आई नो पीपल हु आर वोक, बल्कि आप तो खैर वोक होना भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको अकल भी है कि नहीं, आजकल बड़े वोक लोग भी बड़ी स्टूपिड बातें कर सकते हैं, लेकिन यह है कि अगर आप ज़रा से प्रोग्रेसिव हैं या अगर आपके अंदर थोड़ा सा ये एलिमेंट नहीं डाला गया आपकी ब्रिंगिंग अपब्रिंगिंग के अंदर कि कोई नया ओपिनियन आए तो उसको हम्बली सुन तो लो, शायद वो ठीक हो, चाहे वो ऑपोजिट सेक्ट का हो, चाहे वो ऑपोजिट जेंडर का हो, चाहे वो ऑपोजिट प्रोफेशन का हो, आपको जो सिखाया गया है वो ब्लाइंड फॉलोइंग ही है, ये मान लें आप ये। और ब्लाइंड फॉलोइंग के नतीजे में जिस ग्रुप को आप फॉलो कर रहे हैं आप उसको उसका ऑपोजिट ग्रुप हमेशा बुरा लगेगा, यही है इस मुल्क में यही कुछ है। तो प्लीज़ जब आप किसी चीज़ को सुने ना, आपने उसके साथ इंगेज करना नहीं करना वो आपका डिसीजन है, लेकिन ये समझ लें कि यार उसके ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस कुछ इस तरह के होंगे कि वो बंदा इस तरह की बात कर रहा है, आपके नहीं है तो फिर आप उस तरह की बात नहीं कर रहे। इट्स वेरी सिंपल, आप माइंड को पहले बचपन के इम्प्रेशनेबल ईयर्स के अंदर जिस तरह से उसको ढालेंगे वो उस तरह ढल जाएगा। मतलब मैं अगर रशिया में पैदा हुआ होता, मैं कनाडा में पैदा हुआ था, तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि ईस्टर्न सोसाइटी के अंदर ये फजाइल हैं जनाब, ठीक है। मुझे वही सोसाइटी अच्छी करनी लगनी थी। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फर्स्ट कंसिडर योर सेल्फ ह्यूमन्स प्लीज़, ठीक है। यहाँ पर तो जब हम डॉक्टर भी बनने गए थे ना, तो हम इतने हाई स्पिरिटेड थे कि हम कह रहे थे हमने डॉक्टर नहीं बनना, हमने मुस्लिम डॉक्टर बनना है, ठीक है। मतलब व्हाट्स दिस ऑब्सेशन, मतलब आपका पर्सनल मामला है कि आपने मुस्लिम डॉक्टर बनना है, आपने मुसलमान इस्लाम कितना आपने फॉलो करना नहीं करना वो आपका पर्सनल मामला है, लेकिन ये जो आप एग्जिबिट करने लग जाते हैं ना हर जगह जाके कि नहीं ये चीज़ तो हमें ही सही पता है, ये जो हमने तालीम ली है पीछे से वो 100% वही ट्रूथ है दुनिया का, इससे मसला ये होता है कि फिर आप अपोजिट ओपिनियन को एम्ब्रेस ही नहीं कर पाते, उसको सुन ही नहीं पाते, फिर सुनते हैं तो आप उसको कम दर्जे का समझने लग जाते हैं, आप ये नहीं देखते कि उस बंदे के एक्सपीरियंसेस डिफरेंट हैं। तो प्लीज़ ये थोड़ा सा आई जस्ट वॉन्टेड टू हाईलाइट दिस पॉइंट, इट वॉज जस्ट अ रैंड वीडियो, इफ़ आई वेस्टेड योर टाइम इट्स ओके, आई वेस्ट योर टाइम अ लॉट ऑफ टाइम्स।